गेस करो क्या है। अभी हम रुके थे नाश्ता के, नाश्ता करने के बाद में जस्ट थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर यादव जी बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, यादव जी बता रहे हैं कि यहीं पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं, हमारे दोस्त यादव जी कहीं पर जा रहे हैं। सो कौन सी लोकेशन है, क्या है, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ, काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। और जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे, बने रहना। चलो सो दोस्तों, यह रही अपनी कार जिससे हम लोग जाने वाले हैं, हमारे ड्राइवर यादव जी। यादव जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग भाई जान, आ जाओ। तो दोस्तों हम लोग जा रहे थे, रास्ते में यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिली है, आप देख सकते हैं। गेस करो क्या है। अभी हम रुके थे नाश्ता के, नाश्ता करने के बाद में जस्ट थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर यादव जी बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, यादव जी बता रहे हैं कि यहीं पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। हे भाई, वो जो ठाकुर ने वो तिरंगा लगाया था, वही है क्या? हाँ वही है, वही है, वही है। तो देखो इधर अमिताभ बच्चन, और मैं तो यार प्रॉपर नहीं पहचान रहा हूँ। ये अमिताभ बच्चन का फेस तो समझ में आ रहा है, बाकी ये सब विनोद खन्ना जो जूने हीरो हैं उनका है। ये सलमान खान का है क्या? नहीं, ये सलमान खान का है क्या, समझ नहीं आ रहा। चलो मैं आपको थोड़ा सा उधर से ले आके क्लोज व्यू दिखाता हूँ। तो शायद इसके अंदर अगर हम लोग जाए तो कुछ चार्जेस लगते हैं। सो आप देख सकते हो उधर एंट्री है का? सो आप देख सकते हैं भाई, खतरनाक है यार। उधर रोबोट भी है यार, कौन है इसे, कौन है ना भाई? उधर देखो रोबोट भी है। तो और कितना लगता है इधर? 500 रुपये। 500 अपन घेऊ ना, हाथ मेरे जाओ ना। अच्छा अच्छा, तो जेवड़े है तेवड़े घेऊ ना। सो आप देख सकते हैं इधर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, रोबोट भी है, रोबोट भी है। और क्या ही बाबा, क्या 45 एकड़ मध्ये म्हणजे लय मोठा है, बिघा 45 बिघा, 45 बिघे में है। हां कसम, क्या क्या है अंकल इसमें, क्या क्या? मूवी, अच्छा अच्छा, शेर वीर सब है, मूवी के सेट है। कौन कौन से मूवी के हैं? सब जूने फिल्म का है। ओ भाई, मतलब सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। तुझे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाहरुख खान की, ये कौन सी मूवी है शाहरुख खान की, वो क्या बोलते हैं, बॉक्स दिलवाली, नहीं यार, हाँ हाँ हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फोटो। ओ भाई क्या ही बोलू यार। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी एंट्री 10 बजे होगी, तो अभी हम लोग सुबह 7:30 बजे ही आ गए, तो उधर से रिटर्न होते हुए, तो उधर से जब हम लोग रिटर्न होंगे तो आएंगे यहाँ पे। चलो अभी निकलते हैं आगे। तो दोस्तों फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे हमें जाना था, और मैं आपको बता दूँ यादव जी उनके साथ चले गए, एक आदमी आपने देखा होगा साथ में था। तो एक्चुअली क्या है कि वो बहुत पीते हैं, ठीक है, बहुत पीते हैं यादव के कुछ तो मतलब रिलेशन में लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दवा के लिए आए उनके। एक्चुअली क्या है कि देखो कोई भी आदमी हो अगर लिमिट से पीता है तो ठीक है यार कभी कभी, लेकिन अगर लिमिट से बाहर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह लिमिट से बाहर हो गए थे, तो यहाँ पे दवा मिलती है अगर वह दवा दो बार, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम है, अगर हम दो बार पिला देते हैं तो आदमी पीना छोड़ देगा। यानी जैसे उसके सामने दारू आएगा उसको मतलब कुछ अजीब सा लगेगा, उल्टी उल्टी लगेगा कि अगर मैं दारू पिया तो उल्टी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं हो सकेगा तो थोड़ा सा यहाँ का सीन दिखाता हूँ। और हमने डायरेक्टली यहाँ पर विजिट किया क्योंकि और रास्ते में रुकना उचित नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, अभी आप देखना, आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं, इधर इस साइड में देखो पीछे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है। तो सारे के सारे लोग पहले ही आ गए भाई, हम लोग थोड़ा सा लेट कर दिए, चलो कोई नहीं। इधर का व्यू दिखा देता हूँ भाई, काफी मस्त व्यू है, और ब्लॉग भी मैं शूट किया हूँ, ठीक है, ब्लॉग आएगा। इधर देखो काफी मस्त व्यू है, इधर देखो, इधर से पानी आ रहा है, इधर पहाड़ है, और भाई जंगल का बात ही अलग है, ठीक है।
जंगल का बात ही अलग है, इधर के लोग थोड़ा सा अलग, मतलब अलग मेजॉरिटी के हैं, लेकिन माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है, हवा एक नंबर, सारी चीज़ें एक नंबर। तो चलो अभी हम यहाँ पे रखते हैं, और तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, यादव जी ने बैग उठा लिया, और कुछ खास मज़ा तो हमने नहीं ले पाया यहाँ पे इस लोकेशन पे, लेकिन आगे शायद मज़ा आए, और ज़्यादा नहीं दो चार फोटो हमने क्लिक किया, मैंने नहीं यादव जी ने क्लिक किया, क्योंकि उनको आज से पहले उन्होंने कभी कैमरा पकड़ा हुआ नहीं था, लेकिन चलो कम से कम उन्होंने हमारा फोटो तो निकाला एक दो, हम तो अकेले कैमरा चला नहीं सकते, और हमारे पास है गिम्बल, गिम्बल से फोटो निकलेगा नहीं। हाँ भाई फेस ट्रैकिंग लगा दो, वीडियो इधर उधर चलती रहेगी, कोई नहीं, चलो अभी निकलते हैं वहाँ पे, देखते हैं अगर उनको दवा मिल गई होगी तो हम लोग आगे निकलेंगे, किसी अच्छे लोकेशन पे रुकेंगे एक बार। ओके तो दोस्तों अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और मैं सो गया था गाड़ी में, तो फाइनली अंकल जी को हमने दवा दिलवा दिया, और यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा, तो हमने सोचा क्यों ना यार चलो मंदिर में दर्शन कर लेते, उसके बाद में चलेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे। तो इस मंदिर का नाम है सर्व मनोकामना सिद्धि साईं मंदिर, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ ओके चलो अंदर चलते हैं। वाह नाइस। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे चलेंगे किसी बढ़िया लोकेशन पे, और वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद में जो सारी चीज़ें हैं, पहले कुछ खाते हैं यार ना। हाँ चलो। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर मिसल पाव, मिसल पाव ना ट्राई करने वाले मिसल पाव, बड़ा चक्कर देखो कैसा है, खास नहीं कुछ भी नहीं है यार।